नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जातीय जनगणना पर लगातार हमारी बहस जारी है। सवाल यह है कि क्या जाति जाति से उबरेगा नहीं बिहार? बिहार में जाति इस तरह जनता के दिमाग पर नेताओं के द्वारा दिया गया है ताकि वो सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, विकास नहीं देख सकता। और इसी पर आज हमारी होगी बहस। हम मिला दें आपको सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तनवीर हसन। तनवीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दूसरी तरफ हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं सुनीति रंजन दास। सुनीति जी, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। सुनीति जी, आपका स्वागत है। आवाज़ आ रही है सुनीति जी? आ रही है। आपको भी मेरा नमस्कार। तो चलिए हम डिबेट शुरू करेंगे। उससे पहले आज हम आपको सुनाते हैं, दोनों के व्हाट्सएप पर हमने भेजा भी है। आज सुबह सुबह कलकत्ता से एक कॉल आया है। वो कॉल अति पिछड़ा जाति का है जो कि कमतौल के अहियारी गोट का रहने वाला है। उसे 14% यादव के द्वारा अपमानित किया गया, मारपीट करके उसे भगा दिया गया। कलकत्ता में देर रात उसके साथ भी मारपीट हुई वहाँ भी, और वो गंभीर रूप से घायल है। वो कलकत्ता में भर्ती है, थाना में आवेदन दिया है। जो अति पिछड़ा के साथ यादव 14% का ये अन्याय, जरा एक बार आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम डिबेट करेंगे। आपको सुनिए एक बार इसको। तो आवाज आ रही होगी आपको? सुन रही है। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है सर। जो आप भेजिए किसी को, हम अपना बयान देंगे। कहाँ गए? कहाँ? कलकत्ता में सर। जी कलकत्ता में है। आवाज आ रही है आप लोग को? जी आवाज आ रही है। कैनिंग शिफ्ट में है सर। कलकत्ता में क्या हुआ है? हुआ क्या सर, हम तो अहियारी गोट के निवासी है, दरभंगा जिला अहियारी गोट कमतौल थाना के निवासी है सर। गांव में भी हमारे साथ जो है सो बहुत ज्यादा नाइंसाफी होता है। जातकों का बहुत संख्यक है वहाँ गांव में। वहाँ भी हमारे साथ जो है सो बहुत सताया जाता है, और यहाँ भी हमारे साथ वैसा ही करता है। उसी गाँव का है, रातें हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया है। पूरा खून से हमारा देखिए गंजी वंजी पूरा लथपथ है। बहुत संख्यक जातकों का गांव है हमारा। गांव में भी सताता है, कलकत्ता में भी हमारे साथ उसको बताता है। तो थाना में किए हैं? थाना में? जी सर। थाना में किसने किए हैं? हाँ, थाना में रहते हैं, डायरी देकर के आए हैं सर। तो क्या है थाना में? जी सर, थाना में केस किए हैं? हाँ, रात डायरी देकर के आए हेयर स्ट्रीट थाना में। अच्छा, क्या हुआ फिर? जी सर, गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, वो भाग गया। दोनों चार को पांच को था उसका पूरा, उसका पूरा खन्ना। तो चलिए, ये आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी हम भेज दिए हैं, आप लोग सुनिएगा, ये समझिए। ये जाति का खेल इस तरह है। कह रहा है कि 14% यादव, 18% मुस्लिम और अति पिछड़ा 36%। अति पिछड़ा पर इस तरह का अन्याय, क्या कहेंगे सुनीति जी? सबसे पहले आपके सवाल, क्योंकि जाति जनगणना अपने बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया है। सुनीति जी, सबसे पहले मैं मिथिला मंच के सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। हमने अपने मित्र की बात को सुना। कमतौल अहियारी गांव का ये समस्या है। समस्या तो अनेक है, पूरे देश में समस्या से जुड़ा हुआ लोग है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी जाति के साथ अगर कहीं भी लड़ाई या झगड़ा होता है, उसको हम पार्टी से नहीं जोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, कहीं भी अगर किसी तरह की दंगा होती है, ये मनोज झा के नज़र में ये ठाकुर नहीं है क्या? ये यादव उस गांव में बहुल हैं और उन्होंने मारपीट की है, तो यादव ठाकुर नहीं हुए क्या? ये मनोज झा को बताना पड़ेगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से टीम बना करके कमतौल अहियारी गाँव जाएंगे, और जा करके हम वहाँ पर लोगों को सुधी लेने का काम करेंगे, आपस में स्नेह और प्यार बनाने का काम करेंगे। ये हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, और यहाँ जाति का कोई बात नहीं होती है। कौन पिछड़ी जाति है, कौन अति पिछड़ी जाति है, कौन बैकवर्ड लड़ रहा है, कौन दलित लड़ रहा है, कौन मुसलमान लड़ रहा है,
कौन हिंदू लड़ रहा है, ये नहीं, ये समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग समाज तक जाने के लिए कटिबद्ध हैं और जाते भी हैं। ठीक है तनवीर जी, तनवीर जी ये बताइए कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की रणनीति काफ़ी सक्सेस हो गई। उन्होंने हिंदू को बांट दिया दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और यादव, इस तरह बांट करके बिता दिया। तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी का वोट बैंक में सेंधमारी हो गया जातीय जनगणना से? तनवीर जी, जातीय जनगणना से, जातीय जनगणना आज से नहीं हो रहा है, ये 1947 से हो रहा है। और बिहार का जो जातीय जनगणना है ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। और नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना चुनाव, विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इन्होंने इस तरह का जातीय जनगणना करके लोगों को या लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करने का कोशिश किया है। और हम बीजेपी वालों का मानना है कि हिंदू अगर 81.9%, मुसलमान 17.7%, ईसाई 576, सिख 1113, बौद्ध 851, जैन 96। कहने का ये तनवीर भाई, बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7%, ये आखिर ये पहले भी जानते थे हम लोग और लोग जानते थे। ये तो अब टूट गया ना, अब आपके जो 84% बता रहे हिंदू, वो तो खंड विखंड हो गया। अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, इसमें अगर सेंधमारी 20% हो जाती है तो मोदी सरकार तो गई इस बार। तनवीर जी, जो बात आप कह रहे हैं, नमस्कार, इसका फायदा लेने के लिए ही तो इस तरह का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, लेकिन इसका कोई फायदा इन लोगों को नहीं मिलने वाला। हम लोग आज के दिन में विकास की बात के साथ साथ ये बात कटु सत्य है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई हमारे देश में सभी एक साथ रहते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन खंड तनवीर भाई बांटने से फायदा तनवीर भाई होता नजर आ रहा है। सोचने दीजिए, वोट तो भाजपा को तनवीर भाई हिंदुत्व के नाम पे नहीं होता है, भारतीयता संस्कृति के नाम पे वोट हमको होता है। और आज के दिन में तो मुसलमान और क्रिश्चियन और पंजाबी सिख हमको सब वोट देता है। ये खंड खंड जाति में करने से फायदा उनको लगता है नीतीश जी को, तो नीतीश कुमार जी को मन में लड्डू फूटने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। चलिए सुनीति जी, अब दोनों आदमी डिबेट कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल है, अति पिछड़ा विगत 30-35 वर्षों से बिहार में राज्य कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये अति पिछड़ा हैं। फिर अति पिछड़ा को क्यों करें कि गरीब हो गया, क्यों करें अति पिछड़ा को और विकास की आवश्यकता है? अगर 33 वर्ष से अति पिछड़ा है तो फिर अति पिछड़ा को तो विकसित हो जाना चाहिए था। अब कौन सा ये नाटक है मनोज जी? हाँ, सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत परिश्रम के बाद काफ़ी लोगों ने जनगणना का विपक्ष लोग काफ़ी विरोध किया, उस विरोध के बावजूद भी हमारा जातीय जनगणना बिहार के अंदर प्रकाशित हुआ। और जो भी प्रकाशित हुआ उसको पूरे देश में लोगों ने ग्रहण किया, पढ़ा, सुना, देखा सारी चीज़ को, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति का मामला है, दलित का मामला है, तो यही बिहार की धरती है। जो मौका आने पर पासवान जाति में जो है भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है सुराम सुंदर दास बने, वो नहीं, उसके सुनिए, मैं बता, जातीय जनगणना की बिहार में जहाँ तक सवाल ही उठता है, राम सुंदर दास जी बने, जीतन राम माझी बने, माझी जी बने, और अब आप बता देते ना, आज ये जनगणना जो आई है, तनवीर भाई सुनिए, सच्चाई से प्रेम मत होइए, आप मेरी बात को सुनिए। आज अभी आई है जनगणना, सामने में आई है, कब हुआ था? 1932 में हुआ था, जिस समय ब्रिटिश राज का हुकूमत चल रहा था। उसके बाद भारत में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई, जहाँ भी मुद्दा उठा उसको दबा दिया गया। यही बिहार की धरती है जहाँ किसके साथ अत्याचार और अन्याय नहीं हुआ है। पहले तो आप पूछिए,
कि गुजरात के धरती पर ये सवाल जनता करे नहीं। मैं सवाल जाति वर्षों से मैंने अति पिछड़ी जाति को सम्मान कहां मिला हैं, अति पिछड़ा का विकास क्यों नहीं, एक सवाल पूछ रहे हैं लोग, जवाब दीजिए। विकास अब ये बता रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, बिहार सरकार ने तो अपना नीति निभाया है, केंद्र सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार अति पिछड़ा को कहां हक दिया है, पिछड़ी जाति को कहां दिया है, मुसलमान को कहां दिया है, हमेशा मुसलमान को जो है तो हिंदुस्तान के एक दायरे के किनारे रखने का काम किया है, हर जगह भाषण होता है, गिरिराज का भाषण हुआ है, गिरिराज ने क्या कहा है, मुसलमान को वंचित करो, आरक्षण से वंचित करो, इससे बाहर करो। अगर तनवीर भाई में ताकत है तो तनवीर भाई के खिलाफ पड़े, गिरिराज का सवाल का जवाब दे, उसके विरोध में स्टेटमेंट दे, और गिरिराज को जो मन में आगे सो कर देगा, कभी अछूत के बारे में, कभी पिछड़ी जाति के बारे में, कभी अति पिछड़ी जाति के बारे में, कभी दलित के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, विकास के बारे में तो है नहीं मुद्दा इनके पास। मुद्दा कहाँ है इनके पास, विकास की मुद्दा नहीं है, धर्म की मुद्दा है, मंदिर की मुद्दा है, मस्जिद की मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान की मुद्दा है, विकास की मुद्दा तो है नहीं इनके पास, तो खजाना खाली हो गया है, सारे खजाना को तो लूट दिया, सारे चीज को तो बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, डीजल बेच दिया। जहां से सुनीति भाई खजाना मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अध्यादेश आप लोगों के लिए, आपका अभी तो एम्स के नाम पे आपको 1267 करोड़ रुपया जमीन के मामले में। अरे भाई तो पहले कहाँ सुनिए, पहले कहाँ था अंडानी, कहाँ था अंबानी, पहले कहाँ था विजय माल्या, नहीं नहीं आप ये बताइए ना कि यही मित्र हैं। आपको एम्स का मामला लाए, उस संजय झा जी क्या कर रहे हैं, अरे एम्स पर राजनीति क्या कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए ना, आप एम्स की क्या बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कीजिए ना, आप महंगाई कम करने की बात कीजिए, बेरोजगारी दूर करने की बात कीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात कीजिए, विशेष पैकेज देने की बात कीजिए। इंडिया की बात अगर देखेंगे और रोजगार की बात देखेंगे तो जितना प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने और मोदी जी ने खड़ा किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर उस रोजगार की भी बात कीजिए ना। इसीलिए ना हुआ, यही ना हुआ कि विजय माल्या लेके खजाना भाग गया, निर्वाण मोदी लेके भाग गया, ललित मोदी लेके भाग गया। सुनिए आप बताते हैं और इसका कितना रुपया इसको मैंने कर्ज दिया गया अंडारी को, उस कर्ज पर जो रोज कर रहे हैं तो गुजराते में जाना चाहिए, गुजराते में होनी चाहिए। जाति जनगणना बात कर रहे हैं कि आखिर 33 वर्ष रहे अति पिछड़ा मुख्यमंत्री, फिर भी बिहार में अति पिछड़ा क्यों है, पिछड़ा हुआ क्यों, अति पिछड़ा के विकास की बात करते हैं, राजनीतिक हाशिए पर क्यों कह रहे हैं कि अति पिछड़ा है, 36% है अति पिछड़ा। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी जानते हैं, वो तो सबको एक साथ लेके चल रहे थे और साथ में चलने वाले लोग उनके साथ गद्दारी कर रहे थे, किसको लेकर चल रहे थे, जो परिस्थिति है सुनिए, लालू प्रसाद यादव भी हमेशा बात किया है, हमेशा लालू यादव भी नारा लगाया शुरू से, कहा कि गाय चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, भैंस चराने वाला पढ़ना लिखना सीखो, शुगर चराने वाला पढ़ना लिखना सीखो, चूहा पकड़ने वाला पढ़ना लिखना सीखो, ये सारा चीज किया लोगों ने। अगर ये धर्म के नाम से बात करता, जातीय जनगणना सुनिए, जातीय जनगणना जो हुआ है ये समाज के वंचित लोगों के विकास के लिए हुआ है, विकास के नाम पे बिहार में कुछ नहीं होता। ये जल नल योजना जो आज इसको चमका रहे हैं, ये संजय झा जी नल जल योजना के मंत्री बने हुए हैं, इतना माल छपाई हो रहा है, ये सब खत्म हो गया होता, बिजली पानी जल। अब आप सुनिए, आप सुनिए एक बात बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं, देखिए बिहार के साथ केंद्र सरकार जो भेदभाव कर रही है ना, नहीं नहीं बिहार सरकार जो भेदभाव कर रही है, अब बिहार सरकार के इतना विरोध के बावजूद भी जो बिहार में विकास हुआ है ना, वो देखने को मिल रहा है, वो लालू प्रसाद यादव का देन है, रामविलास पासवान स्वर्गीय का देन है, शरद यादव जी का देन है, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ जी का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है। आज आपको अगर सुरक्षा की बात करता है, आपकी रक्षा की अगर बात करता है तो महागठबंधन ही कर रहा है। जातीय जनगणना से संबंधित तनवीर जी और तनवीर जी सुनीति जी, दूसरा सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, हम जनता के उन तमाम सवालों को जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनके सामने लाते हैं और इसकी प्रतिक्रिया हर गांव हर शहर में चर्चा हो रही है, चौक चौराहे पर सुबह चाय पीने जाते हैं तो वहां चर्चा होती है कि एक एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, जाति जनगणना से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब। दूसरा, 18% मुस्लिम है लेकिन 33 वर्षों में और उससे पहले भी कई वर्षों में
मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुस्लिम बनाया गया, क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाया गया? एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी गफूर साहब बने थे ना, अब्दुल गफूर साहब बने थे ना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री मुसलमान का भी बेटा बना ना, अब्दुल गफूर साहब भी बने थे। 18% मुस्लिम है आज जनगणना में अपने 18%। आप भाजपा को कहिए, अगर भाजपा में दम है ना, अगर भाजपा में दम है तो कहिए उसको कि इस बार का जो चुनाव होगा 25 में, उसमें कहिए घोषणा पत्र में कि मुसलमान का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तब समझेंगे भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान के प्रति स्नेह है। लेकिन आपका तो अगर इंडिया गठबंधन करती है ना, मुस्लिम को तरजीह देती है और कहती है कि मुस्लिम होगा तो मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दीजिए, घोषणा करवाइए ना, घोषणा करवाइए तब ना होगा। लेकिन आपकी बात तो सुनेगा नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम वोटिंग करते हैं, वो तो गिरिराज का बात सुनेगा, रविशंकर का बात सुनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे हो जाएंगे हम लोग अपना मुख्यमंत्री मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए एक बात बता रहे हैं, आप कहां से बोल रहे हैं तनवीर भाई, आप कहां से बोल रहे हैं, मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूं, आप कहां से बोल रहे हैं अच्छी तरीके से हम जान रहे हैं, आपको कितना कठिनाई हो रहा है, कितना आपको दिक्कत हो रही है, आपको कितना समस्या उठाना पड़ रहा है, आपको समाज के प्रति जवाब देने में कोई सवाल नहीं उत्पन्न हो रही है, ये तो हम जान रहे हैं, आपकी कमजोरी को हम जान रहे हैं। उससे फायदा हिंदू मुसलमान, अरे एम्स तो बनेगा ही, एम्स को बनने से कौन रोकेगा, एम्स तो बनेगा ही, उसको रोकने से कौन फायदा, एम्स को बनने दीजिए, आप जानिए आप हमारे बनेगा मित्र है, बनेगा ही साथ बीजेपी में बनेगा ही, आज से 25-26 साल पहले अरे जो है आप सुनिए, बीजेपी को मेरे साथ जिताने का काम किया था, अरे वाजपेयी जी का पर्तर करेगा कोई, अटल बिहारी वाजपेयी का पर्तर करेगा नरेंद्र मोदी, अरे वाजपेयी तो सबको जोड़ के चलता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जोड़ के चलता था, अगर आप पिछड़ा सबको जोड़ के चलता था, लेकिन आज उसके मर जाने के बाद, उसके गुजर जाने के बाद नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, तोड़ करके राज करना चाहता है, और ये राज नहीं चलेगा, ये धर्म की राज, धर्म को बांटो, मंदिर मस्जिद पर नहीं चलेगा, पापी पेट का सवाल है, बेरोजगार रोजगार चाहती है, जो भूख से मर रहा है वो अन्न चाह रहा है, जो बस नहीं है उसके पास में वो बस के लिए लड़ाई है, आज इस विकास की बात है, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, बीएड कॉलेज, किसका कॉलेज है, इस कॉलेज में गरीब का बच्चा का एडमिशन नहीं होता है, जो 1 करोड़ रुपया डोनेशन देता है उसका एडमिशन होता है, जो आदमी मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है गरीब का बच्चा को नहीं होता है, इंजीनियरिंग में नहीं होता है, अगर मोदी में अगर ये दम है तो छानबीन करे और जांच करे कि डोनेशन दे करके किसका बेटा जो है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया है, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आज जो मेधावी गरीब का बच्चा है उसको वंचित किया जाता है, इसलिए कि पूंजीपति वाले का कॉलेज है, पूंजीपति वाले, आपने कहा है ना कि पूंजीपति वाले के बल पर सरकार चल रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी जो है पूंजीपति वाले फैक्ट्री और कंपनी के मालिक को गोद में बैठा के रखे हैं, और समाज में जो गरीब मेधावी छात्र है मेरा, जो मेडिकल करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, बीएड करना चाहता है, वैसे लोगों का एडमिशन नहीं होता है, क्यों? आप ये सवाल किया इसलिए कि वो पैसा देता है नीरव मोदी का है, ये हवाई अड्डा नीरव मोदी का है, रेल नीरव मोदी का है, पानी पनिया जहाज नीरव मोदी का है, ये सारा का सारा कंपनी आपने दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, आप में दम नहीं है तो आप रिजाइन दे दीजिए, उतना तो नहीं दिया था आपसे पहले जो सरकार चलती थी, वो तो कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, हालत व्यवस्था बर्बाद कर दी आप लोगों ने, आज एम्स को नहीं, कितना अच्छा बना है देखे हैं कितना अच्छा बना है, आज भी पूरे बिहार में डीएमसीएच जितना अच्छा बना है, जितना बढ़िया कैंपस और जितना बड़ा हॉस्पिटल बना है, बिहार के किसी अस्पताल में इतना बड़ा नहीं है, सारी योजना धरातल पे सफल हो, और ये सांसद नहीं हुआ है ना, वो देता ही नहीं है, एक पैसा नहीं दिया है बिहार के अंदर, मोदी जी एक पैसा नहीं दिया है बिहार के अंदर, गिनाते ना, गिनाते क्यों नहीं है, गिनाते क्यों नहीं है, अरे भारतीय जनता पार्टी को गिनाना होगा ना, कितना पैसा किस मद में दिया है विकास के लिए बिहार में, संग्राम वो हम बता दें कि ये जातीय जनगणना प्रधारित और हम बात करेंगे सुनीति जी और रणवीर जी, देखिए मनोज जी, रणवीर जी, जातीय जनगणना पर जहाँ से सवाल उठाते हैं, एक दूसरे की भावना समझिए, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई भावना है, तनवीर जी सुनीति जी, जरा तनवीर जी सुनीति जी, केंद्रीय सरकार बनने में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रुकावट होगी, सुनीति जी याद रखिए, चलिए देखिए आप याद रखिएगा, तनवीर भाई आप याद रखिए, तनवीर भाई
तनवीर भाई याद रखिएगा, यही तनवीर भाई आपने कभी बोला कि अरे भाई एनआरसी क्यों लाए, मुसलमान को क्यों इतना तंग किया, जो माँ बहन सब रोड पर सड़क पर दिल्ली से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आंदोलन किया, आपने कभी बोला? इस पर बात करनी चाहिए आपको। मामले पर हम लोगों ने जो बोला विस्तार से सर जो बातें रखी, नहीं नहीं कुछ बोले, अरे वो तो सुनिए कि हम तो मुसलमान भाइयों को आभारी हैं, मुसलमान भाइयों का हम आभारी हैं जिन्होंने अपनी माँ बहन भाइयों के साथ भूखे रह करके सरकार के खिलाफ रोड पे आंदोलन किया, इसलिए सरकार झुक गई। नहीं तो ये सरकार इंडिया से बाहर करने की राजनीति बना रहा था, लेकिन हमारा लालू प्रसाद यादव, हमारा तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने कहा कि नहीं सरकार, मेरा बोला नीतीश कुमार जी बोले कि मुसलमान को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज भी हम लोग ये सोच रहे हैं, शांति से हम बात, हम लोग हमेशा ही बात की है कि धर्म के नाम पर मत करो। उसका मुद्दा जो था तब सुनीति जी और तनवीर जी उसका डिबेट हम अगले दिन करेंगे। सुनीति जी और तनवीर जी, आज जो डिबेट का मुद्दा उस पर हम लोग करें, जनता हमें देख रही है। सुनीति जी और तनवीर जी, आज जिस मुद्दे पर जनता देख रही है उस पर डिबेट करें। सुनीति जी तनवीर जी बात को समझिए, तनवीर जी बात को समझिए, आज जो मुद्दा उस पर हम लोग चर्चा करें जातीय जनगणना पर। तनवीर जी शांत हो जाइए, जो पिछले 17 साल में विकास का काम। हाँ तनवीर जी सुन लीजिए, एक सवाल सवाल एक सवाल एक जनता का एक सवाल तनवीर भाई भूल बतिया रहे जी। तनवीर जी सुन लीजिए, नॉलेज में जाना होगा जी। तनवीर जी सुनिए, सुनीति जी दो सवाल, छोटा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। 33 वर्षों से अति पिछड़ा गद्दी पर बैठा हुआ है, फिर भी अति पिछड़ा विकसित नहीं हुआ। दूसरा सवाल, 18% मुस्लिम हैं, 18% मुस्लिम पर 14% यादवों का राज है, अहियारी गोट की हालत देखिए, किस तरह अति पिछड़ा को मार पीट कर भगाया गया, ये सामने है। ठाकुर मनोज जी आप सुनिए, मनोज जी आप बता रहे हैं, मनोज जी मेरी बात को सुनिए, जान नहीं मनोज जी, आप पिछड़ी जाति है तो पिछड़ी जाति की बात करते हैं, मुसलमान और दलित की बात करते हैं ना, तो मनोज जी आप ये बताइए, पंचायती राज में जितना मुसलमान को मौका मिला, पंचायती राज की बात बता रहे हैं, जितना अति पिछड़ी जाति को मिला, अति पिछड़ी जाति को, पिछड़ी जाति को मिला, दलित को मिला, महादलित को मिला, ये ऐतिहासिक है, ये बिहार के अंदर में पंचायती राज में इतिहास है। जो आज मुसलमान की बेटी भी आज मुखिया है, सरपंच है, मुखिया भी है, जिला परिषद भी है, आज मुसलमान का बच्चा हमारा मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, हमारे यहाँ पिछड़ी जाति का भी लोग हमारे यहाँ अच्छे कुर्सी पर बैठे हुए हैं पंचायती राज में। ये रिजर्वेशन नहीं है, सम्मान नहीं है तो क्या है, आगे और देखिए, ये 2024 में मेरी सरकार केंद्र में बनेगी, उसके बाद पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति दलित और महादलित को जो सम्मान मिलेगा, जो बचा हुआ वंचित समाज का लोग है, जो वंचित समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम ये सरकार करेगी। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये तो चाहते, अरे किसको जाना नहीं है, अरे जब माने गुजरात से मुख्यमंत्री के पद को छोड़ करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? टिकट लेके मंत्री हो जाइए सुनीति भाई। अरे भाई ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आपके यहाँ टिकट बिक रही है, आप जाके पूछिए अमित शाह से, अमित शाह के यहाँ करोड़ों रुपया में टिकट बिकता है, चाहे विधानसभा का टिकट हो चाहे एमपी का टिकट हो, बिक रहा है, हम लोगों ने देखा है। अरे किसको बनाया, राज्यसभा का मेंबर किसको बनाया है, जो अरबपति है खरबपति है उसको बनाया है, और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार ने गरीब के बेटा को राज्यसभा में भेजा है, गरीब को बेटा को बनाने का काम किया है, ये उदाहरण है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, कौन है गिनाइए नाम को, राज्यसभा में कौन कौन है नाम गिनाइए, उसका बिजनेस क्या है? दरभंगा छोड़िए बार के, दरभंगा में 10 विधानसभा में कितने मुस्लिम को सीट दिया आपने बताइए, एक अब्दुल बारी सिद्दीकी कोटी से, और कौन था बताइए, सुनीति जी बताइए। अब ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम की राजनीति, अब हमारे यहाँ बता रहे हैं ना, अब आप सुनिए ना, बिहार के अंदर में सुनिए आप, अरे आप सुनिए ना, हमारे साथ सुनिएगा, बहुत सारा चीज किए हैं। एक समय था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अपने घोषणा पत्र में निकाले थे कि मेरी बहुमत बनेगी तो हम बिहार में मतलब मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुत सारे लोगों ने हर लोग सोचा, सारी बात किया है। अब यहाँ तक जहाँ तक सवाल है, तो अभी तो लड़ाई हम लोगों की शुरू हो गई है, हम लोग तो गोलबंद हो गए हैं, और गोलबंद हो गए हैं जो वंचित समाज के लोग थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं, यह जातीय जनगणना से तो घबरा गए हैं, मोदी जी घबरा गए, भाजपा घबरा गई है, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, हमको 24 में लड़ने दीजिए, 24 में लड़ने के बाद जो है ना 15 में
25 में लड़ेंगे, उसके बाद हम जोर से सुपड़ा साफ कर देंगे, उसके बाद क्या जाएगा, न मंदिर रहेगा न मस्जिद का मुद्दा रहेगा। किस तरह हिंदू भूत भय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे ना नीतीश वाजपेयी जी, भूत भय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, और ये जो है नरेंद्र मोदी भूत भय भ्रष्टाचार को छोड़ के मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जातीय लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी ने वो विकास किया है, आज विकास गिना दीजिए ना, हमसे अलग होने के बाद अपना विकास गिना दीजिए। नहीं, आपके पास विकास गिनाइए ना, क्या विकास है, क्या विकास है, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। एयरपोर्ट बना दिए, एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बना दिए, दरभंगा का एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बना दिए, भारतीय जनता पार्टी बना दिए। अरे आप तो ऐसा है ना, ऐसा हो गया है कि रेल मंत्री होने के बावजूद भी आज भी रेलवे का जो उस पर क्रॉसिंग है या चट्टी रेलवे घूमती हो, चाहे दोनार रेलवे घूमती हो, चाहे आपको जो है सो बेला रेलवे घूमती हो, ये जाम घंटों बना रहता है। आपका रेल मंत्री क्या करता है केंद्र में, उसको सोचना चाहिए ना। राजनीतिक समस्या खड़ी होती है, इससे क्या आप लोगों का नकाब उतर गया है भाई? अरे आप लोग सुनिए एक बात बता, तनवीर भाई सबसे पहली बात है कि आप अपने लिए चिंता कीजिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आपके लिए लड़ रहे हैं। तनवीर भाई आप अपने लिए सोचिए, हम लोगों ने कहा है आप लोगों के खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो हम लोग सड़क पर झंडा लेकर के उसका विरोध करते हैं। मुस्लिम कोई भी है बता दीजिए कि हाँ 18% में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए तनवीर जी भी मुस्लिम है, बनेंगे ही, भी मुस्लिम बनेंगे ही, अरे बनेंगे ही, बनेंगे ही, समय आने दीजिए बनेंगे ही, बोल दीजिए समय आने दीजिए बनेंगे ही, आपको तो बहुत पहले बनाना, समय पर बनेगा ही। अरे सुनीति भाई आप लोग बनेगा ही ना, बनेगा ही ना, और ये तो बहुत लेट हो गया। अरे बनाना चाहिए, नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप एक काम करिए ना, अभी घोषणा करवाइए ना, आप घोषणा करवाइए, आप घोषणा करवाइए ना। अरे दो दो गो उप मुख्यमंत्री बना भाजपा में, दो दो गो उप मुख्यमंत्री बना, एक को मुसलमान को बनाया, दो दो गो उप मुख्यमंत्री बना था भारतीय जनता पार्टी में बिहार के अंदर, लेकिन एक भी मुसलमान को बनाया, एक भी अति पिछड़ी जाति को बनाया, जिस तरह से इंडिया दिखाई देता है। नहीं 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 डॉट में नहीं है, उसी तरह से तनवीर भाई आप लोगों के यहाँ डॉट डॉट में दिखाई देगी, मुस्लिम डॉट, क्रिश्चियन डॉट। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन अंतिम में एक राउंड जो सवाल है वो बता दें, अंतिम सवाल और एक एक मिनट दोनों आदमी बोलिएगा। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मांगती रही है, मोहम्मद अली सरफ फातिमी का हश्र देखे, हम सवाल पूछ रहे हैं, मोहम्मद अली और सरफ फातिमी का हश्र देखे पिछले चुनाव में क्या हुआ, उनको हटा दिया गया, उनको मधुबनी गए, फिर वहां से लड़े, फिर अब वो जदयू में आए, एक मुस्लिम के कद्दावर नेता का हाल देखिए क्या हुआ राष्ट्रीय जनता दल में। अब देखिए घोषणा करेंगे उप मुख्यमंत्री मुस्लिम, मनोज जी, या फिर दरभंगा से सीट मिलेगा मुस्लिम को, बताइए मनोज जी। हाँ हमारे कद्दावर नेता हैं मोहम्मद अली असरफ फातिमी साहब, बड़े लीडर हैं, हमारे सिद्दीकी जी बड़े लीडर हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, हमेशा इन लोगों को पार्टी की ओर से सम्मान मिला ही है, और इन लोगों ने भी समाज को जोड़ने का काम किया, समाज में भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। रही बात ये, आप सुन लीजिए, नहीं आप सुनिए पहले ना, आप सुनिएगा तब तो सम्मान की, नहीं नहीं आप सुनिएगा तब तो, आप सुनिएगा तब तो, आप सुनिए ना पहले, आप सुनिए ना पहले, आप ये बात कीजिए ना, कहे ना मुसलमान कैंडिडेट देने के लिए भाजपा को है दम, कहिए देने के लिए देगा, नहीं देना दरभंगा में देना तब ना समझेंगे, कैसे दे देगा, दीजिए हम देते हैं, चैलेंज करते हैं इस डिबेट पर, आप करिए तनवीर भाई देने के लिए, नहीं देगा, लेकिन हमारा पार्टी हमारे लोग आज भी कटिबद्ध है कि यहाँ से मिलेगा, मधुबनी से भी मिलेगा, दरभंगा से भी मिलेगा, दोनों में चल रही है समझौता, हमारा महागठबंधन है, सारे लोग जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हैं, सबको सम्मान देना है, सबको लड़ाना है, आगे हमको जाना है, हमको नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटाना है, तो हम अपनी सारी समस्या को सही सब कुछ देख के ना करेंगे, केंद्र से करेंगे, सरकार को हटाना है, और एक मिशन है, हटाना ही है, और हम बता दें कि अरे आप सुनिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जो चर्चा कर रहे हैं आप सुनिए, अहम मुद्दों पर चर्चा करें, क्योंकि ये पूरे बिहार की, अरे भाई आप सुनिए ना, दो सवाल आप एक काम कीजिए, अगर मुसलमान की हित की बात करते हैं, अगर एनडीए को कहते हैं मुसलमान की हित की बात नहीं किया, मनोज जी कुर्सी पर, मनोज जी कुर्सी पर बैठे 33%, लेकिन अति पिछड़ा का विकास क्यों नहीं, तो आखिर अब जनगणना की तरह क्यों खंड खंड कर वो वोट देने के लिए लगे। दूसरा मुस्लिम को 18% मुस्लिम पर 14%, आप देख लीजिएगा,
ये चरवाहा विद्यालय क्या था पता है? चरवाहा विद्यालय क्या था मालूम है? अरे गाय भैंस चराने वाला गरीब के बच्चे के लिए विद्यालय खोला गया था। जमींदार का गाय घूम चराता था, जमींदार का बैल चराता था, बकरी चराता था, हल जोतता था। लालू प्रसाद ने वैसे लोगों के बच्चे को, वंचित बच्चे को, शिक्षा से जो वंचित था, वैसे बच्चे के पढ़ाई के लिए चरवाहा विद्यालय खोला गया था। वो भी रास नहीं आया जमींदार को। और सारे लोग मिलकर के झूठे मुकदमा में लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किया। सुनीति जी को, सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ने वाले को धन्यवाद। सुनीति जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तमाम पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आगे आमंत्रित करेंगे आपको, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा की जनता ही ने, बिहार की जनता यहाँ से सबक ले कि देखे दरभंगा में कितने पार्टिसिपेंट अपने पार्टी के एजेंडा को रख पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे भागते हैं, सवालों से भागते हैं, और वो जनता के बीच भ्रम पैदा करते हैं। तो क्या इस बार का जाति जनगणना किसको जीत दिलाएगा, मोदी को या फिर नीतीश को? देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब करो, टीवी चैनल पर भी। धन्यवाद तनवीर, धन्यवाद तनवीर भाई, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद, धन्यवाद तनवीर भाई, धन्यवाद मनोज जी।